वेलकम टू टागी विद एसएएस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यूएससी की भर्ती एजीटीए 2018 के बारे में। एजीटीए कोर्ट केस, अगर ऐसा हुआ तो 50% से अधिक छात्र हो जाएंगे बाहर, तो क्या है ये पूरा मैटर। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी जानकारी दी जाएगी और पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही आप लोगों को बता देता हूं, एजीटीए 2018 यहां पे थंबनेल में भी साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये जो आपकी एजीटीए की भर्ती आई थी 2059 पदों पे, ये 2018 में भर्ती आई थी एजीटीए की। तो इस भर्ती के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। आपकी पेट 2023 से 3446 पदों पे 2024 में जो वैकेंसी आई है एजीटीए की, उससे इस न्यूज़ का कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, साफ साफ मैंने थंबनेल में भी 2018 का नाम डाला हुआ है। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं डिटेल में क्या है ये जानकारी। तो दोस्तों, कल एक न्यूज़ आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों में बीच में नहीं बदल सकते, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो न्यूज़ है ये 7 नवंबर 2024 की है, 11:44 AM न्यूज़ है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, ये जो ट्विटर हैंडल है यहाँ से भी ये ट्वीट किया गया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे ये न्यूज़ पूरी पड़ी हुई है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आज भी, आज 8 नवंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं, आज भी न्यूज़पेपर में निकला था, तो मैंने ये कटिंग यहाँ पे डाली है, इसको आप लोग डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर ये फैसला क्या है डिटेल में लिखा हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को अहम फैसला दिया। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और अर्हता की शर्तों में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक नियम इसकी अनुमति ना दें। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, PS नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया। पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में अधिसूचित चयन सूची में पात्रता मानदंड बीच में नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ इस पॉइंट को नोट करिए, पात्रता मानदंड बीच में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, जब तक मौजूदा नियम अनुमति ना दें या विज्ञापन मौजूदा नियमों के खिलाफ ना हो। तो यहाँ पर आगे और भी लिखा हुआ है, ये पूरी न्यूज़ आप जाके पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो मेन चीज़ है मैं उतना ही आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पे देखिए एक और भी है, इतना लिखा हुआ है, मानक पहले से तय हों। तो कोर्ट ने कहा कि सक्षम प्राधिकार विपरीत नियमों के अभाव में उपयुक्त उम्मीदवार के चयन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार सहित विभिन्न चरणों के लिए मानक तय कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले होना चाहिए, प्राधिकारी को अधिकार है, तो मानक उस चरण तक पहुंचने से पहले तक तय हो सकते हैं। तो मामला राजस्थान हाईकोर्ट के 13 अनुवादों की भर्ती से जुड़ा है। विज्ञापन के बाद 11 आवेदक लिखित परीक्षा साक्षात्कार में शामिल हुए, नियुक्ति 3 की ही हुई और विफल आवेदकों को पता लगा कि हाईकोर्ट ने 75% अंक पाने वाले के चयन का ही आदेश दिया था। और देखिए यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियाँ भरने के साथ ख़त्म होती है, ऐसे में बीच में नियमों और अर्हता की शर्तों को बदलना खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान। तो ये पूरी न्यूज़ देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, ये आज ही सुबह मैंने न्यूज़ डाली थी 8 नवम्बर को, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसमें AGTA का क्या लेना देना है, तो AGTA के बारे में अब बताते हैं आप लोगों को। देखिए अभी क्या हो रहा है, पहले शॉर्ट में ये बता देते हैं, PCS का एग्ज़ाम जो है वो 2 शिफ्टों में करवाए जाने को लेके जो है नोटिस जारी कर दिया गया है, इसलिए छात्र उसके लिए भी कोर्ट में जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मैंने टेलीग्राम में दी है आप लोगों को। और ये न्यूज़पेपर में भी आज न्यूज़ निकल के आई,
ये जो पीसीएस के लिए ये देखिए, दो दिवसीय परीक्षा के खिलाफ प्रतियोगी जाएंगे कोर्ट, क्योंकि कल ही ये आदेश आया है, इसीलिए छात्र जो हैं कोर्ट जा रहे हैं। इसके अलावा वीडियो छात्र भी कुछ बोल रहे हैं कि पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं था, जब ये वैकेंसी आई थी 2018 में तो उसमें बाद में नॉर्मलाइजेशन ऐड कर दिया गया, तो इसमें रिजल्ट में काफ़ी प्रभाव पड़ा है उसका, और बहुत से छात्र बाहर हुए हैं और जिनको जॉब मिलनी चाहिए थी। तो वीडियो के छात्र भी कोर्ट जाने को लेके विचार विमर्श कर रहे हैं। तो मैंने ये पोस्ट डाली थी इसीलिए छात्र मुझसे AGTA के बारे में भी पूछ रहे थे, और AGTA के लिए भी बहुत से छात्र बोल रहे थे कि हमें भी कोर्ट में जाना चाहिए और हम भी जाएंगे और रीट वगैरह डालेंगे। तो ये क्या है मैटर आपको बता देता हूँ। देखिए ये है नोटिफिकेशन, ये उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग मतलब UPSC AGTA जो 2018 में AGTA की वैकेंसी आई थी उसका ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और हम इसको नीचे ले जाते हैं और सीधे अर्हता की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इसकी अर्हता के बारे में ये क्या लिखा हुआ, अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक अर्हता जो है वो यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं, पद क्रमांक संख्या, विभाग का नाम और पद नाम जो है अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी। तो यहाँ पे अनिवार्य अर्हता जो है वो यहाँ पे दी गई है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि हो। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कृषि में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ BSc AG वालों को ही इसमें अलाउ किया गया था जब ये वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ था, कुछ लोगों ने कोर्ट केस कर दिया था और BSc AG के साथ जो हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और बहुत सी ऐसी जो समकक्ष वाली डिग्रियां होती हैं उनको अलाउ कर दिया गया था। तो किन किन लोगों को अलाउ किया गया था उसके लिए आप नियमावली जो है संशोधित नियमावली 2019 की देख सकते हैं, या फिर 2024 का जो AGTA का नोटिफिकेशन आया है उसमें भी जाके देख सकते हैं, उन सभी जो डिग्रियाँ हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये 2024 का AGTA का नोटिफिकेशन है, इसमें सिर्फ अर्हता देखने के लिए इसको ओपन किया है कि अब अर्हता में क्या कर दिया गया है। तो इसमें 6 नंबर पे ये अर्हताएँ दी गई हैं, देख सकते हैं आप लोग BSc AG के अलावा अब किन किन लोगों को देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2019 में इन्होंने संशोधन कर दिया था, जबकि विज्ञापन कब आया था 2018 में, संशोधन कब किया इन्होंने नियमावली 2019 में। और इन्होंने BSc AG के अलावा, ये देखिए BSc AG आनर्स के अलावा ये उद्यान, BSc उद्यान, BSc आनर्स उद्यान, BSc फॉरेस्ट्री, BSc आनर्स फॉरेस्ट्री, BTEC कृषि अभियंत्रण और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त BSc गृह विज्ञान कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। तो इन सभी लोगों को इन्होंने अलाउ कर दिया, जो कि भर्ती आई थी 2018 में उसमें अलाउ कर दिया और संशोधन किया 2019 में। तो देखिए ये 2024 की भर्ती है, इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये 2019 में संशोधन हो चुका है, लेकिन जो 2018 वाली वैकेंसी है उसमें इन्होंने बीच में ही नियम चेंज कर दिया और संशोधन करके ये छात्रों को बीच में अलाउ कर दिया, जबकि यहाँ पे ये 2018 वाली भर्ती है इसमें सिर्फ BSc AG वाले ही एलिजिबल थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे छात्र बोल रहे हैं कि इस चीज़ को लेके भी कोर्ट में रिट डाली जाएगी और देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल मैं अपनी तरफ से इसमें कोई राय देने वाला नहीं हूँ कि इसमें रिट डाली जाए या ना डाली जाए, जो आप लोगों का मन है वो आप लोग कर सकते हैं, जानकारी देना मेरा काम है तो मैं वीडियो बना के जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को। अब इसमें अगर ऐसा हो जाता है और इसमें अगर सिर्फ BSc AG वालों को ही अलाउ कर दिया जाता है तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो BSc AG वाले ही हैं तो सिर्फ उनको ही लिया जाएगा, और इसके अलावा जो अन्य जो अभी मैंने डिग्रियां दिखाई हैं आप लोगों को वो सभी छात्रों को इसमें बाहर किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 50% से अधिक, लगभग 50% से अधिक इसमें जो जॉब कर रहे हैं उनको हटाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नियमावली बीच में ही संशोधित की है, 2018 की ये वैकेंसी और 2019 में नियमावली संशोधित की और फिर अन्य डिग्री वाले छात्रों को इसमें अलाउ कर दिया। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में सभ्य शब्दों में आप लोग बता सकते हैं। बाकी UPSC की भर्तियों की और कृषि भर्तियों की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।